गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं 27 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको न्यूज का जो सोर्स है कि कैसे न्यूज से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो भी दिखाऊंगी विद न्यूज की क्लिप्स। न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्लिप्स मैंने कई क्वेश्चंस के पेस्ट किए हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि न्यूज को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023। 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयर किसके पास है? फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो कि चेयरमैन यानी कि जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी उनको कौन चेयर करेगा, एक टाइप का एक हेड करेगा, ऐसे आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो। ऑप्शन ए इज ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी इज रशिया, ऑप्शन सी इज चाइना एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। सो ये न्यूज़पेपर की क्लिप है, ये द हिंदू की क्लिप है, ये है 26 अप्रैल के न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया टू होस्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दिस वीक। इंडिया एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग इस हफ्ते होस्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन है एज चेयर दिस ईयर ऑफ द एससीओ। एससीओ के यहाँ पे मेंबर्स मेंशन है कौन कौन से हैं, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान बिसाइड्स इंडिया। और इंडिया ये एससीओ के मेंबर्स हैं, जो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स भी आपको बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो ये एससीओ के मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं एससीओ के वो भी इसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन से, बेलारूस और ईरान, ये दोनों। और इंडिया की यहाँ पे आप मेंशन आपने देख ही लिया कि चेयर कौन है, इंडिया है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप है उसमें उसकी चेयर इंडिया है। ये पहली हाई लेवल मिलिट्री विजिट होगी चाइना की साइड से जब से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस वहां का उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बाद ये चाइना की पहली हाई लेवल मिलिट्री विजिट होगी इंडिया में। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन डी दैट इज इंडिया इज द आंसर। और आपको एससीओ के मेंबर्स भी पता चल गया, ऑब्जर्वर कौन है ये भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच क्रिकेट स्टेडियम अनवील्ड सचिन तेंदुलकर स्टैंड ऑन सचिन्स बर्थडे। सो रिसेंटली मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 50th बर्थडे उनका निकल के चुका है, तो उनके बर्थडे पर कौन से क्रिकेट स्टेडियम पर सचिन तेंदुलकर स्टैंड एक अनवील किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन ए इज वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बी इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी इज शारजा स्टेडियम, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो इसका भी मैं आपको सोर्स दिखाती हूँ, ये है न्यूज़पेपर की कटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो शारजा स्टेडियम अनवील्स सचिन तेंदुलकर स्टैंड। सो शारजा क्रिकेट स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर का एक स्टैंड अनवील किया है, और जो शारजा स्टेडियम है सचिन तेंदुलकर के करियर में इसका बहुत स्पेशल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 42 इनिंग्स में 1778 रन स्कोर किए थे। ये जो डेटा है आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर किसी भी चीज की आपको स्टोरी पता होती है तो आपको इजीली वो चीजें याद रह जाती हैं। तो वहां पे सचिन तेंदुलकर की 7 सेंचुरीज भी उन्होंने स्कोर की हैं और 750s भी वहां पर ही स्कोर की हैं उनके 50th बर्थडे पर, और उनकी जो डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग्स हैं उनको उनकी 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए स्कोर स्पेशल बनाते हुए यहाँ पर शारजा में उनका जो स्टैंड है वो अनवील किया गया है। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर स्टैंड शारजा क्रिकेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज शारजा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच स्टेट। अभी अभी भारत ने हाल ही में पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर लॉन्च की है, कौन से राज्य में? ऑप्शन ए इज हरियाणा, ऑप्शन बी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। सो आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने केरला में इंडिया की पहली वाटर मेट्रो लॉन्च की है, जो कि कोची में की है। अगर स्टेट की बात करें तो केरला में, जो कि 10 आइलैंड्स कोची के अराउंड जो 10 आइलैंड्स हैं उनको कनेक्ट करेगी एक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट से। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, ऐसी एग्जांपल्स आप अपने एनवायरनमेंट में या पॉल्यूशन रिलेटेड
या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी आपका सस्टेनेबिलिटी ऐसे एसेस में कोड भी कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं, ये जो वाटर मेट्रो है, ये केरला गवर्नमेंट एंड जर्मन की एक कंपनी है KFW, उन दोनों ने मिलकर फंड की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, INS सुमेधा एंड INS तेग रिसेंटली इवैक्यूएटेड द स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजंस फ्रॉम विच कंट्री? सो INS सुमेधा एंड INS तेग, ये दो जो शिप्स हैं, इंडिया की नेवल शिप्स हैं, इन्होंने भारत कौन कौन से देश से, जो कुछ इंडियन सिटीजंस वहां पे फंसे हुए थे उनको वहां से निकाला है। ऑप्शन ए है सुदान, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है यूक्रेन। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो न्यूज़पेपर की अलग अलग दिन की कटिंग लगाई हुई है, एक तो ये है और एक ये है। ये हमने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अब इसमें और डिटेल न्यूज़पेपर में आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, INS तेग ज्वाइंस ऑपरेशन कावेरी, और यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी ऑन बोर्ड INS सुमेधा। तो ये ऑपरेशन कावेरी, जो कि जिसके अंडर सुदान से स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स को वहां से निकाला जा रहा है, इवेक्युएट किया जा रहा है, उसी का पार्ट है। ये दोनों ही न्यूज द हिंदू के बिल्कुल फ्रंट पेज पर लगी हुई थी। तो आई थॉट इसमें जो भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो मैं यहाँ पर आपको करवाऊं, कवर करवाऊं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी? कौन से देश ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो गोल्ड की बैकिंग के साथ एक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जो डिजिटल करेंसी वो इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी जो बैकिंग होगी वो गोल्ड होगा, सोना होगा। ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे एंड ऑप्शन डी है रशिया। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे और उसको अपने देश में लीगलाइज करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है इसके अंडर क्या होगा, जो जिम्बाब्वे की करेंसी है, जिम्बाब्वियन डॉलर्स हैं, उनको डिजिटल गोल्ड टोकन्स के साथ एक्सचेंज करना अलाउ किया जाएगा वहां के रिजर्व बैंक के द्वारा। और जो जिम्बाब्वे की करेंसी है जो इतने वॉलेटाइल है इतने टाइम से, उसको स्टेबल बनाया जाएगा, उसको स्टेबल बनाने में हेल्प की जाएगी। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉग बिट 3.0 इज सीन इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू? न्यूज में एक टर्म देखी जा रही है लॉग बिट 3.0, ये है क्या? ऑप्शन ए है कुछ ताले जिनको रिसेंटली GI टैग मिला है, ऑप्शन बी है क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी है रैंसमवेयर एंड ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। सो जो लॉग 3.0 है ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक आप बोल सकते हो मालवेयर की टाइप है, एक खराब सॉफ्टवेयर है जिसको बेसिकली डिजाइन किया गया है कि जो यूजर्स हैं उनके एक्सेस को ब्लॉक कर दिया जाए। सपोज अभी मैं अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रही हूँ, और ये सॉफ्टवेयर अगर मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा तो मेरा जो एक्सेस है, मैं इस अपने अपने ही सिस्टम को असेस नहीं कर पाऊंगी। तो क्या होगा बदले में, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में कुछ पेमेंट मांगी जाएगी, जो भी इसके आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी इसको, जिनका एक एम है इसको यूज करके लोगों से पैसे लेना। और यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसको पहले ABC रैंसमवेयर भी बोला जाता था। जो रैंसमवेयर हैं, जो मालवेयर हैं, न्यूज में होते हैं, आपसे बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं न्यूज अपने आपके एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक टाइप का रैंसमवेयर है लॉकबिट 3.0, और इसको ABCD रैंसमवेयर के नाम से भी पहले जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत का पहला विलेज, पहला गांव कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। सो रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की गई है कि जो उत्तराखंड का माना विलेज है या मान विलेज है, उसको जो जिसको पहले इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता था, लास्ट इंडियन विलेज है, उसको अब से फर्स्ट इंडियन विलेज बोला जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये उत्तराखंड का है, और कई बार आपसे नाम भी पूछ सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट विलेज कौन सा है,
माना विलेज या मान विलेज जो भी इसको प्रोनाउंस आप कर सकते हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 25 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 अप्रैल एंड ऑप्शन डी है 26 अप्रैल। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका एम क्या है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, कौन कौन से, जैसे कॉपी राइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हो गए, तो इनके बारे में अवेयरनेस को रेज करना लोगों के बीच में, लोगों को इसके बारे में बताना। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये इसमें सेलिब्रेट करने के पीछे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें कि जो विपो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स भी बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 इज रिलीज बाय, जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है ये कौन, किसने रिलीज की है? ऑप्शन ए इज WHO, ऑप्शन बी इज UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी इज G20। सो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट, जो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है ये एनुअली रिलीज की जाती है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये मेन की क्लाइमेट इंडिकेटर्स पर फोकस करती है। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, टेम्परेचर कितना राइज हुआ है ग्लोब का वो हो गया, सी लेवल कितना राइज हुआ, सी आइस का क्या स्टेटस है, ग्लेशियर्स का क्या स्टेटस है, तो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखती है और एक्सट्रीम वेदर्स का इम्पैक्ट देखती है जो भी हमारा नेचर है उन पे। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो जो राइज हो रहा है वो बढ़ रहा है, उसने फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या होते हैं कि या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर उनपे कॉन्ट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये इस रिपोर्ट ने बेसिकली हाईलाइट किया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज UN वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम डेली एक नेशनल पार्क डिस्कस करते होते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश का एक मैप है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, तो ये यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो इसका आंसर है पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी मैं क्विज पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर भी क्विज या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के भी, जर्नल स्टडीज के भी, जो आपको एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock, हैव अ नाइस डे।